प्रतिवर्ष की भारतीय आवासीय विद्यालय में हॉस्टल डे के नाम पर उत्सव मनाया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने कलाकारों सहित माध्यमिक स्तर के बच्चे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत शामिल होकर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसी आयोजन में ग्राम तुरियान के रेसिडेंशियल स्कूल में अध्ययनरत छात्रों ने रद्दी कागजों से घरों के सजाने वाली सामग्री तैयार कर बता दी कि ग्रामीण अंचल के छात्र भी शहरों में रहने वाले छात्रों से पढ़ाई में पीछे नहीं है। अपनी कलाकृति में रद्दी कागजों से घर की सजावट के सामान को देखकर बच्चों को काफी सराहना किया गया। जिला पंचायत सदस्य खंड शिक्षा अधिकारी ने भी की। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रीना रवातिया उद्दे ने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए प्रोत्साहित भी किया। बच्चों के द्वारा चित्रकला के माध्यम से कबाड़ से जुगाड़ कर रद्दी कागजों से घरेलू उपयोग की जाने वाले जैसे छिद्र पौधे से झाड़ू का निर्माण को देखकर अति प्रसन्न हुए। तुरियान बालक आवासीय विद्यालय में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती रीता रवातिया उद्दे वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। उत्कृष्ट बच्चों को इनाम वितरण किया गया। जिला पंचायत सदस्य रीता रवातिया उद्दे एक खंड चिकित्सा अधिकारी जाकिर खान के आवासीय छात्रों की भोजन की व्यवस्था को लेकर सारी व्यवस्था के संबंध में आवासीय छात्रों से मिलकर जानकारी ली। इसी कार्यक्रम में खंड चिकित्सा अधिकारी जाकिर खान, विशिष्ट अतिथि वीडा उद्दे, युवा कांग्रेस अध्यक्ष एजाज सिद्दीकी, पत्रकार घनश्याम यादव, अधीक्षक कमल दास झाकी समस्त अनुदेशक उपस्थित थे।